जहां जहां पड़े कदम मेरे, हाथ मिलाने वालों ने छोड़ा हाथ मेरा, एक एक करके सबने छोड़ा साथ मेरा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रही हैं, वैसे वैसे ये लाइन सच साबित होने लगी है। सियासी तपिश के बीच इंडिया गठबंधन के डूबते नाव को किसी का सहारा नहीं मिल रहा। लोकसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। 24 घंटे के भीतर पार्टी ने तीन बड़े चेहरे गंवा दिए हैं। बुधवार दोपहर में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। गुरुवार सुबह पार्टी प्रवक्ता कौरव वल्लभ ने भी अचानक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ये तीनों नेता हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बड़े चेहरे माने जाते हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस को यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है। एक एक करके हाथ मिलाने वाले हाथ छोड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गुरुवार को गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 फॉरवर्ड सेंटर बन गए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर चुकी है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। बढ़ती दूरियों से 2024 में बीजेपी की तस्वीर साफ होने लगी है। बीजेपी की सियासत चाल में उसके हर मोहरे कामयाब हो रहे हैं। इसी बीच सवाल ये है कि अब कांग्रेस का क्या होगा। विपक्षी दलों की एकता का नारा धरा का धरा रह गया और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या छूटते हाथ के सहारे बीजेपी को चुनावी रण में ढेर कर पाएगी कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।